एकदम बैक गए इसमें। अगर आप अचानक से ब्लॉग शुरू करना पड़ गया है मुझे, क्योंकि भाई आया अचानक से मोबाइल वगैरह, मैंने तो आज ब्लॉग ही बनाया था, काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं हुआ है, फिर तो लग रहा है ऐसे ब्लॉग बनाते हुए। हाँ जी, तो कैमरा क्वालिटी आपको थोड़ी अपग्रेड लग रही होगी, क्योंकि मोबाइल थोड़ा चेंज किया, तरक्की हो गई हमारी, ट्रैफिक का शोर बोल दे रहा हूँ। और ये शान भाई बिल्कुल डाले नहीं, चिपका के चल रहे हैं, अगर शान भाई लग गई ना गाड़ी और ये रोड पे रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ख्यालों की तपिश जिंदा हो गई तो मसला हो जाएगा। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। और ये जरा मेरे बालों को इग्नोर करना, क्योंकि इसकी बहुत बुरी हालत है। तो फिलहाल यार शाहान भाई ने डरा डरा के पहुंच गए हैं, बस ट्रैफिक देखें, कहीं ना कहीं पार्किंग ढूंढते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, फिर भाई के लिए मोबाइल ढूंढते हैं कोई। हाँ शान भाई, डाले वाले भाई जगह दे दो पहुँच गया सक्सेसफुली। शाहान भाई उससे भी पूछ के आ गए जिसको मैंने अपना मोबाइल सेल किया था, उसने भी किसी को सेल कर दिया, मतलब उसके काउंटर पे पड़ा हुआ नहीं है। मेरे को लग रहा है इतनी रश इसलिए क्योंकि सबने ईजियाँ जमा की हैं और आ गए मोबाइल लेने। ये यहीं पे, यहाँ पे ऐसे ही रश लगा हुआ होता है भाई, भले कहते पाकिस्तान में पैसा नहीं है लेकिन यहाँ बहुत है। वहाँ आगे की तरफ क्राउड चेक करें, पूरा भरा हुआ है क्राउड से, और अभी तो अंदर स्टार सिटी मॉल में तो गए नहीं है हम यार, इधर तो एप्पल ऐसे भरे हुए जैसे फ्री में बट रहे हैं। हाँ जी, तो भाई थोड़ा सुकून वाली जगह में आ गए, मतलब स्टार सिटी मॉल के अंदर जाने लगे हैं अभी। भाई बहुत रश है, बहुत यहाँ की चेकिंग ही मुझे समझ नहीं आती है, दुकान के अंदर से आप जा सकते हो, खाली इस गेट पे चेकिंग है। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस मार्केट से यहाँ थोड़ा सुकून लग रहा है, कैसा भी लोग भाई को चाहिए भी ऐसा फोन जो मार्केट में है ही नहीं, असल में है किट नहीं, तो मिल जाए तो गनीमत है यार। ढूंढते फिर रहे हैं, एप्पल ही एप्पल भरा हुआ है यार, यहाँ गूगल चेक कर यहाँ पड़ा हुआ है, पूरे मॉल में धंधनाते हुए फिर रहे हैं, लेकिन ये पड़े हुए तो हैं भैया 4XL भाई को बहुत मुश्किलों के बाद भाई निकाल रहे, देखते यहाँ पे घूमते घूमते हमें मिले हैं मेमन .com वाले, बहुत बड़े टिकटॉकर हैं, सपाटर भाई को समझ आ के नहीं दे रहे क्या करें। भाई आई देखो लाइन से सारे भरे हुए, जैसा पता नहीं आईफोन 3 में बट रहे हैं क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अरे एक तो मेरा ये मसला है कि मैं दुकान में भेज जाता हूँ, जहाँ से मैंने मोबाइल लिया था भाई बोल रहा वो दुकान है, तो अब वो मुझे दुकान ढूंढनी पड़ेगी जहाँ तक। क्या बोल रहे 14 भाई बात है देखो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के सामने ही था, देखते हैं उस तरफ अगर मिल गई दुकान तो। याद आ गया मुझे तो भाई की दुकान थी आगे की तरफ, वहाँ चल के देखते हैं। पड़े हुए तो यहाँ भी बहुत है लेकिन इसको चाहिए गूगल पिक्सल, ये रही दुकान जो कि है बंद। माशाल्लाह से भाई ने मोबाइल ऐसा ढूंढा है कि एक वो दुकान बंद करके भाग गया है, कोई मिल नहीं रहा यार। यार देखो अब समझ नहीं आ रहा कि आईफोन नॉन पीटीए लिया जाए कि ये लिया जाए। नॉन पीटीए नहीं, नॉन पीटीए लिया था लेकिन मज़ा नहीं आया, अभी सोच रहे अप्रूव भी ले लें, अप्रूव ले या ले ही नहीं, ले ही नहीं, ये पड़ा हुआ देख यहाँ पे पड़ा हुआ चेक कर। यहाँ एक मिला था फाइनली, एक दुकान में दुकान में मिला भी डरते हैं। हाँ जी, तो भाई शान भाई 12 बजे यार भाई को मिल जाता है, फिर बोलता है पैच नहीं चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। एक बार ले रहे भैया को दिख ही नहीं रहे थे, लाइन से पड़े हुए यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत गंदा वाला ब्रैंड, क्योंकि इतने सारे पड़े हुए थे हम सुन के 4 या 5 की, लेकिन तो कराची में होने का सबूत दे रहे हम, फ्लाइट चली गई है भाई। तो गुड न्यूज़ ये है कि इसको मोबाइल अभी तक मिला नहीं है और हम नीचे उतर गए,
सैमसंग की दुकान में जाएगा। 50 के नीचे की बात ही नहीं है भाई जी। तो भैया आ गए औकात पे, जो इसको मैं पहले दुकान पे लेके गया था उसी दुकान पे अब इसको जाना है। भाई को गर्मी भी हो रही है, मोबाइल भी इसको परफेक्ट चाहिए। क्या आप मेरे मुंह से भी सुनेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातें आप सही हो जाएंगे। तो भाई यार फिलहाल भाई को एक ही दुकान समझ आई है, ये भाई की दुकान। माशाल्लाह से इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा डील किया था, मैं इनसे खरीदा ये वाला मोबाइल भी खरीदा यार। फ्रेंच पीस तो उसके पास भी नहीं पड़ा हुआ तो उन्होंने भेजा है ऊपर, हमें ऊपर कहीं उनकी दुकान है वहाँ पड़ा हुआ है तो वहाँ चल के देखते हैं। यार वहाँ भी समझ आ गया इस भाई को तो पैसा ही। उन्होंने कहा सीढ़ियों के सामने वाली 460 नंबर, तो ढूंढते ये है 63। ढूंढते बोर्ड ही नहीं लगे हुए यहाँ पे जी। तो भाई ये ऊपर भेजा था तो ये इनकी दुकान है, देखते हैं इनके पास अगर पीस समझ आ जाए तो ये पसीना कर दिए इस भाई ने सर। भाई के लिए वो पीस निकाल रहे फुल डब्बे से अंदर से। हाँ जी तो भाई बड़ी मुश्किलों के बाद ये भाई पीस लेके खड़ा हुआ, देखते हैं क्या समझ आता है। फिलहाल भाई हमें एक मोबाइल पसंद आया ये, फिलहाल इसमें चार्ज नहीं है भाई, लाइट नहीं है, फिलहाल चार्ज पे लगाएगा उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद अगर वो लोग हुआ तो लाइट कुछ आइडिया है कब तक आएगी? वैसे जाती नहीं है, पता नहीं क्यों चली गई, समझ नहीं आ रहा यार। अभी फिलहाल भाई के पास आए हैं हम और चेक ही कर रहे हैं, फिदान भाई चेक कर रहे हैं मोबाइल, फिर यहाँ से डन होते हैं फिर कुछ खाते हैं। हमें तो भाई बहुत पसीना निकालने के बाद भाई को एक चीज़ पसंद है और ये हमारे भाई ने भी व्लॉग सब्सक्राइब किया है हमारा। बड़ी क्वारी के बाद भाई ने ले लिया मोबाइल, चांद भाई ने अच्छी खासी क्वारी करवाने के बाद उस बंदे ने ले लिया मोबाइल, ये सामने रखा है जैसे कराची तब भी जिंदा है। कराची में रहते हुए इसको बिल्कुल डर नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे मैं पिस्टल लगाए घूमता हूँ, डर नहीं लगता। पिस्टल की स्पेलिंग बता ना, PISTOL। पाउच नहीं मिल रहा है, सही भी नहीं मिला, सही बोले यार भाई। बड़ी मुश्किल के बाद रश के बाद बाहर निकले हैं अभी, अब देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। भूख बड़ी टैंट लगी है, क्या बोलते हो भाई? हाँ खाते हैं कुछ, भूख तो बहुत लगी है, इसको देख के लगता ही होगा ये कितना खाता है। भाई छोटा सा मसला ये हो गया है कि 10 बज गए हैं और उस पार्किंग वाले ने बोला था कि 10 बजे मैं चला जाऊंगा, तो देखते हैं बाइक ना उठ गई हो वरना तो क्वारी हो जाएगी। अब निकाल के देगा बज गए मतलब, वरना बाइक उठ जाती। पहुँच गए हैं प्लस यार, जब तक बिरयानी आ जाए तब तक आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करें। इलाके के अंदर आए और ये चपाटर भाई हमारे खड़े हैं, कहाँ गंदगी में खड़े हुए हो? खत्म हुआ है तो ये हमारे दो भाई और आ गए, घूमना मतलब चालू ही है आज, सुकून नहीं है मेरी जिंदगी। हाँ जी तो भाई फिलहाल ये फॉर करने आया हुआ भाई, पता नहीं केबल का कुछ मसला है, वो चेंज करना है इसको। हाँ जी तो भाई घर आ गया हूँ, बिल्कुल ही मैं थका हुआ हूँ, बिल्कुल हालत टाइट भी है, मेरा सर ऐसा फट रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो घर जाता हूँ और घर जाके मैंने डायरेक्ट सोना है और कुछ करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो यार बस यही था आज के ब्लॉग के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।